एक समय था जब हमारे पास फोनों में खाली 2 इंच के डिस्प्ले मिलते थे या उससे भी कम। और अगर पिछले साल की बात करें, नहीं पिछले साल नहीं, इसी साल की बात कर लेते हैं, इस साल आपने 2-3 फोन देखे जिन लोगों ने बोला कि हम जो फोन लेकर आ रहे हैं इसमें फोल्डेबल स्क्रीन है, फोल्ड कर देंगे तो आपका छोटा मोटा फोन बन जाएगा, इतना भी छोटा नहीं लेकिन छोटा मोटा, और खोल देंगे तो टैबलेट बन जाएगा। लेकिन थोड़े दिन पहले ओप्पो ने एक नया फोन दिखाया, कंसेप्ट फोन, जिससे आप जब स्लाइड करेंगे तो वो पूरा का पूरा टैबलेट बन जाता है, लेकिन इसमें कोई फोल्ड मैकेनिज्म नहीं है। तो क्या आने वाले वक्त में हम बहुत सारी चेंजेस देखने वाले हैं डिस्प्ले में? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक बाय टेक, और मेरे साथ है निमेश और नंद गोपाल राजन। और आज हम बात करने वाले हैं जो फोन के डिस्प्ले हैं उनमें क्या चल रहा है, क्योंकि जब से ओप्पो ने अपना रोलेबल डिस्प्ले दिखा दिया है, स्लाइड करिए फोन आप आराम से बड़ा हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग माजरा हो गया है, क्योंकि ये जो स्पेस है इसमें वो अकेला नहीं है, इसमें सैमसंग भी कुछ ना कुछ कर रहा है, एलजी कर रहा है, एलजी तो टीवी भी लॉन्च कर चुका है रोलेबल टीवी, और साथ ही साथ शॉमी भी इस पे बहुत सारा काम कर रहा है। अब रेस हो चुकी है कि सबसे पहले मास प्रोडक्शन में कौन जाएगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं निमिष से। निमिष, आपको क्या लगता है, फोल्डेबल या रोलेबल स्क्रीन कंज्यूमर के हिसाब से कौन सा बेटर है, और या किसकी यूजेबिलिटी ज्यादा बेटर है? संदीप, ये थोड़ा 5G की तरह है, इस समय दूर से है, दूर के ढोले बहुत सुहावने लग रहे हैं जनाब जी, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल यूज में अगर आप देखा जाए तो शायद उतने प्रैक्टिकल नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है जिसपे सब लोग ध्यान, अभी हम लोग इसे केवल मात्र हार्डवेयर की तरह की करामात की तरह देख रहे हैं कि अरे देखिए हमने इसे छोटा कर दिया, हमने इसे एक्सपैंड कर दिया, टैबलेट बन गया खुल करके, ये सब अच्छी बात है। असली चैलेंज आने जा रहा है जब आपने खोला तो क्या वो एप्लीकेशन ठीक तरह से ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। आपने उसको उतना बड़ा डिवाइस बना दिया, उसकी बैटरी लाइफ कितनी चलेगी, आप उसको कैमरे के रूप में इस्तेमाल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब चैलेंजेस काफी ज्यादा है। तो मास प्रोडक्शन तो मुझे अब थोड़ा दूर ही लग रहा है। सैमसंग और हुआवे ने, अगर आपको याद होगा, 1.5-2 साल पहले हम लोग को पहले अपने फोल्डेबल्स दिखाए थे, उसके बाद सैमसंग ने तो काफी कोशिश भी की, गैलेक्सी फोल्ड सीरीज जो है सैमसंग शायद सबसे ज्यादा बना रहा है, अच्छे बना रहा है, लेकिन एक बहुत ज्यादा नीश डिवाइस है, ये बहुत ज्यादा नीश डिवाइस है। इस वक्त पोटेंशियल जरूर है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि फोल्डेबल का असली स्कोप वो है कि आप एक छोटे फोन को बड़ा बना दीजिए, एक बड़े फोन को टैबलेट ना बना दीजिए, जो कि मोटो रेजर ने किया है, लेकिन आगे भगवान ही जानता है, और नंद गोपाल राजन जानते हैं जिन्होंने बताया था कि इंटेल लैपटॉप बनाएगा। जे नंदू, अगर आप देखें कि डिस्प्ले में, नॉर्मल डिस्प्ले तो हम सभी अपने फोनों में यूज कर रहे हैं, 3 टाइप के डिस्प्ले की बात चल रही है मार्केट। एक है मोटोरेजर वाला कंसेप्ट, फ्लिप करो बड़ा स्क्रीन बन जाता है, एक बन जाता है आपका किताब वाला स्टाइल जो कि है सैमसंग फोल्ड, और तीसरा आ गया है इसमें ओप्पो रोलेबल, बिना कुछ किए फोन का जो साइज है बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा एक स्लाइडर की मदद से। आपको इन तीनों में सबसे प्रैक्टिकल फोन कौन सा लगता है? प्रैक्टिकल तो मुझे सिंपल ये फोन ही लगता है, ये तीनों अभी प्रैक्टिकल नहीं है जी, ये तीनों अभी गिमिक्स है जी, राइट। तीनों में डैमेज का बहुत हाई चांस है, बिकॉज फोन ऐसा चीज नहीं है, आप बहुत आप देखो अपना फोन कैसे यूज करते हो, कहाँ कहाँ गिरता है, कहाँ कहाँ फंस जाता है, कहाँ कहाँ से आप खींच के निकालते हो, तो उसमें ये जो एक प्रिशस की तरह जो है ना यूज करने वाली चीज नहीं है, तो अगर वो आपको वैसे यूज करना पड़ गया तो उसका यूजेबिलिटी कम हो जाता है, राइट। अगर आप उसको एकदम से जीन्स के अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन जैसे देखो अगर आपके पास फोन ऐसा है जो ऐसे खुलता है ऐसे बंद होता है, राइट, लेट अस से कि आप कहीं बैठ के मूवी देख रहे हो, राइट, मूवी के बीच में कॉल आ गया, आपने खोल के देख लिया, ठीक है, और आपने बंद कर दी, बंद करते वक्त उसमें एक पॉपकॉर्न फंस गया, फोन गया आपका, राइट, एक चिप्स फंस गया, उतना ही रखता है उसमें। सो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें कि ये अभी भी प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। एक ऑल एनकॉम्पसिंग या यू नो कि डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कौन सा होगा हमें नहीं पता। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि स्क्रीन्स कैन बेंड फोल्ड एंड रोल नाउ, राइट। इसमें और भी चीजें हो सकता है, राइट। सो ये बेसिकली ओलेड टेक्नोलॉजी का एक फंक्शन है कि आप इसको कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हो।
इनफैक्ट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. मैं 2 साल पहले शायद, हाँ 2 साल पहले WWDC में था, जबकि एक आदमी मेरे सामने बैठ के, ये हो गया मुझे एक एक सेकंड के लिए, मैं लगा कि मैं क्या कुछ स्टार ट्रेक या स्टार वॉर्स की कुछ देख रहा हूँ. तो वो बैठा हुआ है होटल लॉबी में बैठा हुआ है और वो अपने फोन पे देख रहा है. उसके सामने एक एक होलोग्राम में अपना डिस्प्ले था उसका. तो वो बड़ा डिस्प्ले हो गया, सेल्फ प्रोजेक्टेड, मतलब उसमें मतलब कोई चीज के ऊपर मतलब प्रोजेक्ट नहीं कर रहा था, वो वैसे ही डिस्प्ले हो रहा था. सो अगर वो ऐसा कुछ है तो आपको बड़ा डिस्प्ले फोल्ड करके ये करके देने की जरूरत नहीं है. सो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, राइट? लेकिन हमें नहीं पता कि क्या ये है, उसमें क्या यूज होगा हमारा, वही पहले सोचना पड़ेगा. निमिष, अगर इस साल देखें तो इस साल सैमसंग ने काफी दम डाला है अपने फोल्डेबल फोन्स में, और अब जितनी लीके आ रही हैं वो बता रही हैं कि 2021 में तो वो शायद एफोर्डेबल फोल्डेबल फोन्स भी ला देंगे। अब वो एफोर्डेबल स्मार्टफोन का प्राइस कितना होता है वो आज तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सैमसंग अगले साल भी फोल्डेबल्स पे काफी दम लगाएगा और साथ साथ बाकी लोग भी दम लगाने वाले हैं? संदीप, मुझे लग रहा है सैमसंग जरूर दम लगाएगा, क्योंकि सैमसंग में अगर आप देखिए तो सैमसंग को महारत हासिल है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में, जो बाकी लोगों के पास नहीं. कई लोगों के डिस्प्ले सैमसंग बना के देता है, एक्चुअली एमोलेड एमोलेड में सैमसंग का मैच कोई नहीं कर सकता. तो सैमसंग ये चीज जरूर करेगा, और सैमसंग ने इस पर अलग अलग इतने सारे मॉडल्स बना रखे हैं, उन्होंने फोल्ड बनाया है, अलग अलग तरह के फोल्ड बनाए हैं. तो मुझे उसमें शक की कोई बात नहीं है कि कोशिश करेगा. और एम सीरीज गैलेक्सी एम फोल्ड की बात जिसे कह रहे हैं वो बहुत आ रही है लोगों में, और अब तक अफोर्डेबल आपने कहा है तो सुनने में दाम 60,000, 50 से 60,000 रुपए के आसपास है संदीप, जहां तक मुझको पता है. अब उसमें 60,000 में कितना दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे, ये तो वो जाने. ये लोकप्रिय होगा या नहीं ये अलग बात है, क्योंकि नंदगोपाल ने बात एकदम सही कही थी. ये चीज जिसे कहा जाए एक बहुत शानदार प्रोटोटाइप है इस समय. देखने से अचरज होता है कि अरे वाह ऐसा हो गया है, लेकिन जब आप इसे काम करने में लाते हैं तो जनाब गिर गया, कुछ संभाल के यूज नहीं कर पाए. क्योंकि अभी भी पहली चीज आप देखिए, अभी भी कोई भी फोल्डेबल डिवाइस आपको मिलती है रिव्यू के लिए, आपके पास आई है, नंद गोपाल के पास आई है, पहली चीज होगी लंबा सा चिट्ठा आएगा, इसके साथ ये मत करना, 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 धन्य है अभी तक ये नहीं कहा इसका इस्तेमाल मत करना, वो भी एक दिन आ जाएगा. खैर वो छोड़िए वो छोड़िए, लेकिन इतने सारे प्रिकॉशन से आप रख रहे हैं अभी भी, तो ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम होने में काफी टाइम लगेगी. आपको बहुत सशक्त शीशा या प्लास्टिक बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और जैसे मैंने कहा ये तो अभी हार्डवेयर की ही बात है जनाब, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर भी आपको दौड़ाना पड़ेगा. वो गूगल बनाएगा, वो सैमसंग बनाएगा, कौन सी चीज कहाँ काम करेगी, कौन सी चीज किस स्क्रीन पे काम करेगी. तो जैसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे हैं. हमें इंतजार करना पड़ेगा किसी को एक स्टैंडर्ड डिजाइन बनाने का कि ये है और वो सब लोग उठा सकते हैं. जैसे अगर आपको याद होगा, अब चाहे लोग माने ना माने, एप्पल ने टच स्क्रीन के साथ किया कि ठीक है ये आईफोन है, सामने है आपके पास, कोई बटन सामने नहीं है, 3.5 इंच का डिस्प्ले है, तो लोगों ने उसको एक स्टैंडर्ड मान के आगे चले हैं. फोल्डेबल्स में अभी वो नहीं आया है. सैमसंग के ही आप अलग अलग फोल्डेबल देखिए तो उन्हीं के अलग अलग शेप्स और साइजेस हैं. बिल्कुल बिल्कुल नंदू, देखा जाए तो अभी जो डिस्प्ले के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, चाहे फ्लिप डिस्प्ले, फोल्डेबल, रोलेबल, तो ऐसा लग रहा है कि इब्तदाई इश्क है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या. लेकिन आपको क्या लगता है, अगर हम देखेंगे जो फोल्डेबल स्क्रीन में अभी तक का जो हमारे पास रुझान आया है या मार्केट में हमने देखा है कंज्यूमर बिहेवियर फ्लिप के साथ, मोटो के साथ या फिर सैमसंग के साथ, कंज्यूमर्स उसको यूटिलिटी के लिए ले रहे हैं आपको लगता है, या फिर एक वाव फैक्टर के लिए, शो ऑफ फैक्टर के लिए भी ले रहे हैं? अभी तो वो फैक्टर ही है. इनफैक्ट आप कह रहे हैं आगे आगे देखे होता है क्या, थोड़ा पीछे पीछे भी देख लेते हैं. तो उसमें एक चीज ये है, इंटरेस्टिंग ये है, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो आपका फोल्डेबल स्क्रीन का प्रॉब्लम तो ये भी सॉल्व कर रहा है. जी वेलवेट है, LG वेलवेट, ये है, ये LG का वेलवेट वेलवेट है, राइट? और ये LG का वेलवेट है, LG के लिए नया फोन नहीं है, LG का सेकेंड डुअल स्क्रीन फोन है ये, जी राइट? ये डुअल स्क्रीन है, दो सेपरेट स्क्रीन है, इसको आप निकाल सकते हो अगर चाहिए तो, राइट? ये और ये सेकेंड फोन है उनका, जो इन्होंने पहले ये ऐसा फोन लेके आया था वो अभी लास्ट के फ्लिपकार्ट सेल में 19,900 रुपए में बिका है, राइट? अगर आपको बड़े स्क्रीन की इतनी शौक है तो ये इस प्रॉब्लम को ये डुअल स्क्रीन बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर रहा है.
और आप देखोगे 10,000 रुपए में आपको स्मार्टफोन मिलता है, राइट? तो उस हिसाब से तो मतलब इसका प्राइस, एक एक्स्ट्रा स्क्रीन देना बहुत बड़ा चीज नहीं है. सो दैट इज वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? कि अगर यही चीज प्राइस पॉइंट्स कम होके आने लगे काफी सारे, बिकॉज उसमें ना एक डिफरेंट यूज केस है. आप इसको एक ऑलमोस्ट एक छोटे लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हो, राइट? ये ऐसे यूज कर सकते हो जो निमिष को और संदीप जैसे मेरे हमारे तेरे बुड्ढे लोगों को याद है कि नोकिया कम्युनिकेटर, और जो एक यूज केस है वो एक प्रॉपर, राइट? जी बिल्कुल, ऐसे यूज करने वाला एक एक सीन है. आप इसको ऐसे यूज करोगे तो यहाँ पे आपका स्क्रीन आएगा और यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा. वैसे काफी लोग यूज कर सकते हैं. अभी आप देखो, अगर आपको ये 15,000 रुपए में से कुछ मिल रहा है, आप ये बच्चों को रेकमेंड कर सकते हो इवन फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस और ये सब, राइट? सो ऐसे यूज केसेस है इसमें. जो मुझे फोल्डेबल का एक्चुअल यूज केस लगता है वो थोड़ा बहुत मोटो के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाता है. बट आप पुराने जमाने में देखोगे जो हमारा मोटो का पेबल फोन होता था जी, राइट? या इवन सैमसंग के फोल्डेबल फोन्स होते थे, फोल्डेबल मतलब पुराने, वो परफॉर्म फैक्टर में अगर कुछ आ जाता है जिसको आप बेसिकली इजिली शर्ट पॉकेट में डाल सकते हो और पैंट पॉकेट में डाल सकते हो, आपके एक्सिस्टिंग चेंज के फोन को आधा कर देता है. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट यूज केस. तब तो बहुत लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, राइट? नाउ उसके लिए फोल्डेबल चाहिए या बेंडेबल चाहिए? रोलेबल तो मुझे नहीं लगता वहां पे चलेगा. इनफैक्ट संदीप, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ. मैंने पहली बार जो इस टाइप का एक स्क्रीन देखा था वो शायद ईफा में था 2014 में, राइट? वो एक रोलेबल स्क्रीन था और किसी ने अपने हाथ पे पूरा फोन लगाया हुआ था. यस यस यस, राइट? ये उस टाइम पे सिर्फ स्क्रीन था, उसमें और कुछ नहीं था, डिस्प्ले आ रहा था एक किसी यूनिवर्सिटी का स्क्रीन ये था वो, ब्रेसलेट की तरह पहना था. इनफैक्ट उस टाइप का, मतलब आपको याद होगा पहले प्रोटोटाइप्स शायद ब्रेसलेट फॉर्मेट में ही दिखा रहे थे कि फोन को आप पहन सकते हो, राइट? सो यू नो, सो रोलेबल वाज नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग, राइट? लेकिन अगर यहां पर देखें, सैमसंग काम कर रहा है, फोन्स लॉन्च कर रहा है, और अगर वीवो ओप्पो की बात करें, ओप्पो भी काफी टाइम से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, चाहे फास्ट चार्जिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप डिस्प्ले की बात कर लीजिए, लेकिन गो टू मार्केट में ओप्पो थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आता है. प्रोटोटाइप सबसे पहले, मार्केट में प्रोडक्ट बीच में या एंड में. निमिष, आपको क्या लगता है, क्या अगर जो उनका रोलेबल फोन जो उन्हें दिखाया है, क्या उनके आने से पहले कोई और तो लॉन्च नहीं कर देगा, क्योंकि शाओमी भी इस रेस में लगा हुआ है? संदीप, यहां मुझे चाइनीज ब्रांड्स में एक बात मैं देखी है, चाइनीज ब्रांड्स इनोवेशन भयंकर रूप में करते हैं लेकिन प्रोटोटाइप के रूप में करते हैं. अगर आपको याद होगा, वीवो ने शायद पिछले साल हमको एक फोन दिखाया था जिसमें सामने और पीछे दोनों तरफ डिस्प्ले थे, डिस्प्ले ही डिस्प्ले था जी. फिर शाओमी ने भी एक फोन दिखाया था जिसमें डिस्प्ले साइड पे भी था, साइड से घूम के थोड़ा सा पीछे की तरफ आ रहा था. ये डिवाइसेस बाजार में या तो आए ही नहीं या बहुत ज्यादा बड़े स्टैंडर्ड पे आए नहीं. तो मुझे कभी कभी लगता है कि इनका एक होता है, जिसे हम कहते हैं दिखाने का दम होता है, कि हाँ हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोर मार्केट वैसी है नहीं. शायद उनको लगता हो कि अगर हम ज्यादा दाम की बहुत ज्यादा दाम का बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट कोई निकाले तो लोग कहेंगे हम इतने पे हम गैलेक्सी फोल्ड क्यों नहीं ले लें, तो आईफोन क्यों ना ले लें. तो शायद वहां रिस्क लेने की उनमें क्षमता नहीं है. लेकिन इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं. अनुगोपाल ने बहुत सही बात कही है पुनः, कि आपको केवल जब आप बड़े डिस्प्ले की देख रहे हैं, फोल्डेबल की बात देख रहे हैं, आप एक ही डिस्प्ले को फोल्ड करने की बात नहीं सोच सकते, आप दो डिस्प्ले की बात कर सकते हैं. LG वेलवेट से बहुत प्रभावित में रहा हूं, क्योंकि सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको जबरदस्ती हर बार दो डिस्प्ले लेके जाने की जरूरत नहीं है. आप चाहें तो एक डिस्प्ले लेके भी जा सकते हैं, दूसरा जब आप चाहिए तब अटैच कर लीजिए, जबकि बाकियों में आपके पास चॉइस नहीं है. आप गैलेक्सी फोल्ड ले लिया तो दो डिस्प्ले आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे आप इस्तेमाल एक ही करिए. तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन है, मॉड्युलैरिटी आप ला सकते हैं. आप डिस्प्ले बड़ा बनाना चाहते हैं, आप पूरे फोन को बड़ा क्यों बना रहे हैं? आप ठीक है छोटा फोन लीजिए और कहिए चलिए इसमें हम एक और स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, वो चाहे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाए या चाहे उसका कोई स्पेशल कनेक्टर हो, जैसे कीबोर्ड आप कनेक्ट कर सकते हैं. वैसे आप क्यों नहीं सोचते ये कि उसको हमें बेंड ही करना है और उसमें प्लास्टिक विशेष तरह का बनाना है, और हे भगवान बहुत संभल के इसका इस्तेमाल करिएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कयामत आ जाएगी अगर टूट गया, इत्यादि इत्यादि कहने की क्या जरूरत है. तो थोड़ा सा एक माइंडसेट ब्लॉक हो गया है वहां. जहां तक बात रही ओप्पो और वीवो की, शाओमी की,
मुझे लगता है इनोवेशन ये लोग बहुत करते हैं, लेकिन उनका मार्केट सेगमेंट अलग है, उतने बड़े नंबर्स पे ये लोग खेलते नहीं है जितना सैमसंग खेलता है। सैमसंग और मोटोरोला तक का एक स्टेचर है कि हम कह सकते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे चलिए जनाब बड़ी कंपनी है, पहले भी कर चुकी है, हम लोग इस पे पैसा लगा सकते हैं। शायद उतना विश्वास लोगों को अभी तक बाकी ब्रांड्स पे नहीं है। जी, मुझे लगता है ये सारे कंपनीज को दिखाने वाले दांत भी कुछ चाहिए होते हैं। हाँ राइट, इट इज टू इट बुक। अच्छा, आप मेरे से 10,000 का ही फोन खरीद रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये कैपेबिलिटी भी है। राइट, उससे एक आई थिंक शायद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत जाता है कि ये तो, हाँ नहीं, वो तो बहुत सारी चीजें कर चुके हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात नंदू, जो आपने एलजी का मेंशन किया, एलजी वेलवेट का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक टेक्नोलॉजी के साथ ये होती है कि कंज्यूमर तब उसे यूज करता है जब उसके ऊपर कोई डूज एंड डोंट्स ना चिपके होंगे। अगर कोई नया प्रोडक्ट लेगा और उसको ये चिंता रहेगी कि अगर मैंने जेब में ढंग से नहीं डाला तो गिर गया तो इसकी स्क्रीन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मैं इसको जेब में डालने से पहले अपने जेब से सब सिक्के और चाबियां निकाल दूं, सिम इजेक्टर पिन भी निकाल दूं, पता नहीं कहां घुस जाएगी। ये सब चीजें सॉल्व की हैं एलजी ने। एलजी का फोन देखते ही जब आप डब्बा खोलते हैं तो सबसे पहले जो फोन आपके हाथ में आता है वो नॉर्मल फोन लगता है, वो फोन जो आप इतने टाइम से यूज कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा मैजिक चाहिए, कवर है साथ में, लगा दीजिए, डबल स्क्रीन मिल जाएगा। और जो कवर का डिजाइन दिया है वो भी ऐसा दिया है जिसके हम यूज टू है फ्लिप कवर्स। पहले कुछ बीच में फैशन नहीं चल गया था कि फोन के ऊपर फ्लिप कवर लगा लीजिए, उसमें लोग क्रेडिट कार्ड रखते थे, अपने मेट्रो के कार्ड रखते थे, 100 रुपए 10 रुपए के नोट भी रखते थे, तो बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है। तो इसलिए कंज्यूमर को झटका नहीं लगता है इसको यूज करने में। आपको क्या लगता है कि ये जो एलजी ने जो चलन स्टार्ट किया है फोल्डेबल फोन्स का अपने स्टाइल में, क्या आपको लगता है अगले साल हम इसमें और ज्यादा तेजी देखेंगे, बाकी ब्रांड्स भी इसमें कुछ करें और या इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आए? सी, स्मार्टफोन इनोवेशन में ना हम लोग एलजी का बहुत कम बात करते हैं, लेकिन एलजी का इसमें बहुत सारी चीजें, आप अभी हम फोल्डेबल फोन्स की बात कर रहे हैं, इतने साल पहले तो कर्व्ड फोन लेके आए थे जी, राइट, और इतना अच्छा फोन था वो, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऐसे, मतलब यू नो, बट वो मुझे बहुत नेचुरल फोन लगा था। आप अपने फेस के पास लगाओगे तो वो बहुत ही नेचुरल है कि वो कर्व में होता था, राइट। और एलजी का इसके पहले तो डुओ आया था, वो तो ऑलमोस्ट क्या 6-7 महीने हो गया, या 2020 के स्टार्टिंग में आया था, जो दो स्क्रीन वाला है, जिसका मैं बोल रहा था कि 20,000 में बिक रहा था अभी, राइट जी। सो ये कोई नया चीज नहीं है उनके लिए, राइट। सो आई थिंक सो, बट इसी इसमें कुछ ज्यादा इनोवेशन नहीं है इसमें। इनोवेशन जैसे पहले निमिष बोल रहा था, इनोवेशन इज बेसिकली कि इसको सिंक कैसे करोगे, आप यूजर बिहेवियर के साथ सिंक कैसे करोगे दूसरे स्क्रीन को। और एलजी ने बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट जब मैंने सैमसंग का फोल्ड 2 यूज किया था तो उसमें भी मैंने नोटिस किया, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप कैमरा यूज कर रहे हो, आपने एक फोटो खींचा है तो उसका प्रीव्यू जो है लेफ्ट में आ जाता है, जो आपका लास्ट टेकन फोटोग्राफ है वो लेफ्ट में आ जाता है आपका स्क्रीन में। वही चीज एलजी डुअल स्क्रीन में भी कर रहा है। लेकिन अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो आपको उसको टैप करके बड़ा करके देखने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली आपको दिख जाता है सही नहीं है यार, फेस ठीक नहीं लग रहा, एक और ले लेते हैं। सो उसमें यूज केसेस बहुत सही तरह से किया है। और जैसे उसमें कुछ एप्स है डुअल स्क्रीन एप्स है जिसको आप यूज कर सकते हो मल्टीपल स्क्रीन में। जैसे आप जीमेल पे जाते हो और उसको ऐसे फ्लिप कर देते हो तो ऊपर आपका कंपोजिंग और नीचे आपका कीबोर्ड आ जाता है। Yeah, that's very cool. वो ऐप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो उस टाइप के कुछ चीजें हैं उसमें, बट ये आपको, अगर ये आप हर ऐप में ये एक्सपीरियंस नहीं दे सकते ना, तब ये कॉन्सेप्ट फेल्ड है। आप स्क्रीन कितना भी अच्छा बना लो, राइट, आपको ये जो इसके यूजर वैल्यू जो है आपको हर चीज में देना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज आप क्यों करोगे कि मतलब हाँ मेरे पास 1,000 ऐप है, 10 ऐप में तो डबल स्क्रीन चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इकोसिस्टम पूरा रेडी होना चाहिए। जो एप्स का इकोसिस्टम है आपको उस डिवाइस पे यूज करने के लिए भी कंटेंट चाहिए। चलते चलते निमिष आपसे आखिरी सवाल, क्या कंज्यूमर्स को अभी ये जितने भी फोल्डेबल फोन सब आ रहे हैं ये एक्सप्लोर करना चाहिए या अपने करंट फोन से ही संतुष्ट रहना चाहिए? डिपेंड करता है जेब में कितना पैसा है और मन में क्या भर रहा है संदीप, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जैसे हमने 5G के बारे में भी कहा था, दूर के ढोल हैं, बहुत सुहावने लगते हैं, हम दिखा सकते हैं कि अरे वाह कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, इत्यादि इत्यादि, ये उल्टा
जो भी है, तो वो बात तो है, लेकिन मैं इस समय कहूंगा डेवलपिंग इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम तो खैर शायद है ही नहीं, क्योंकि एलजी में भी, वेलवेट में भी सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सन गोपाल और आप अभी अनुभव कर रहे होंगे, सारे एप्स जो है वो डुअल स्क्रीन में रन नहीं कर सकते हैं, अभी भी कुछ ही एप्स है रन कर सकते हैं, आपको डेवलपर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये सब करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो फोन काफी यूज करते हैं, यानी हर चीज में यूज करते हैं, निकाल जैसे आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो शायद फोल्डेबल्स अभी आपके लिए है नहीं, क्योंकि हर चीज इस पे ठीक तरह से काम नहीं करेगी। अगर आप इसे बहुत डिपेंड कर रहे हैं तो हर चीज काम इस पे नहीं करेगी। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, एक डिपेंडेबल फोन है, एक और है जिसे आप हाथी के दांत के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, अरे वाह देखिए हाथी के दांत है, क्या बढ़िया सफेद लंबे दांत है, तो उसके लिए हम फोल्डेबल ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं तो कहूंगा थोड़ा रुके रहिए, या एलजी का वेलवेट ले लीजिए ना, क्योंकि कम से कम कवर हट गया तो कम से कम फोन तो यार है अपने पास ना। राइट संदीप, और संदीप इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कंज्यूमर ने कभी ये मांगा नहीं है, right. ना डुअल मांगा है, ना फोल्डेबल मांगा है, ना बेंडेबल मांगा है, उनको कोई जरूरत नहीं है। ये कंज्यूमर डिमांड के ऊपर बेस्ड एक प्रोडक्ट है ही नहीं जी। ये मतलब कंपनीज को अपना सैचुरेशन हो चुका है काफी डिमांड, मतलब यू नो कि उसमें वो तो अच्छा कुछ अभी दिखाना कुछ है, करना पड़ेगा, कुछ दिखाना कुछ पड़ेगा दिखाना उनको, है। नहीं तो बोर हो जाएंगे ये लोग, वही है। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे कि नंदू ने कहा कंज्यूमर्स ने कभी इस चीज की डिमांड नहीं की, कंज्यूमर्स ने जो डिमांड की है कि उनके फोन में परफॉर्मेंस स्टेबल रहे, बैटरी अच्छी आए, डिस्प्ले ढंग से दिखे, जो दिख रहे हैं अच्छे कलर्स नजर आए, और आई थिंक ये चीज एलजी के दिमाग में भी कहीं ना कहीं चल रही होगी, क्योंकि जो वेलवेट है आप चाहे तो खाली फोन ही खरीद सकते हैं, और अगर आपको उसको ये डबल स्क्रीन वाला बनाना है तो उसके लिए केस आपको अलग से खरीदना है, आपका मन नहीं है वो नई चीज को एक्सप्लोर करने का, आप संतुष्ट है अपने फोन के साथ, तो खाली फोन पे ही पैसा लगाइए। संदीप इसको कहते हैं यूज केस जी। केस। बिल्कुल बिल्कुल, एलजी ने एक परफेक्ट यूज केस आपको दे रहे हैं, अब आपको कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस इसके साथ मुझे नंदगोपाल राजन और निमिष को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।